हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारा सा बिब सूट लेके आई हूँ। कान्हा जी को पहनाया हुआ है, 4 नंबर का बिब सूट है, 4 नंबर के कान्हा जी को पहनाया हुआ। आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। मैं यहाँ पे सभी एंगल से आपको दिखा रही हूँ, काफी अच्छी फिटिंग आई है कान्हा जी पे। और ये देखिए, ऑरेंज व्हाइट का कलर कॉम्बो जो है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है कान्हा जी पे। उसकी कैप जो है बहुत ही क्यूट लग रही है। तो आप भी इस तरह से ये बिब सूट कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। ये 5 नंबर के कान्हा जी को भी आराम से आ जाएगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप ये वाला ही जंप सूट 5 नंबर के कान्हा जी के लिए भी बना सकते हैं। पर मैंने वीडियो में 5 नंबर, 6 नंबर के लिए, 0, 1, 2, 3, 4 नंबर के कान्हा जी के लिए सबके मेजरमेंट्स अच्छे से दिए हैं। तो आपके कान्हा जी का जो भी साइज है आप आराम से उनके लिए बना सकते हैं। बट फिर भी आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर वीडियोज लेके आऊं हर नंबर के कान्हा जी के लिए, तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आपके कान्हा जी का जो भी साइज है आप वो भी बताइए, जो साइज का ज्यादा कमेंट आएगा मैं पहले उसी की वीडियो लेके आऊंगी। तो ये देखिए, मैंने बिब सूट जो है कान्हा जी से उतार के दिखा दिया और बहुत ही ज्यादा क्यूट है। ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे यहाँ पे पार्ट्स बने हैं इसके। ये पूरा बिब जो है ये तो मैंने वीडियो में बनाना बताया है। अब इस बात रहती है चोली की, तो ये जो देखिए चोली यहाँ पे 4 नंबर की बनाई है मैंने। सारे कान्हा जी के नंबर की चोली जो है बना के बताई हुई है वीडियोस में, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप वो प्लेलिस्ट जैसे ही देखेंगे आपको वहां पे सारे नंबर के कान्हा जी के लिए चोली की वीडियोस मिल जाएंगी। तो 4 नंबर की है ये, सेम पैटर्न में ही बनेगी सारी चोली, आप बना सकते हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस देखिए, ये जो पार्ट्स हैं चोली के ये हमें ज्वाइन नहीं करने हैं बिब सूट में। तो आप यहाँ पे चोली को यहीं पे लास्ट राउंड में यहीं पे खत्म कर देंगे, क्योंकि वीडियोस में मैंने वहां पे जो बताया वो यहाँ पे ज्वाइन करना भी बताया है। तो वो चीज हमें यहाँ पे नहीं करनी है। तो प्लेलिस्ट पे कैसे जाएंगे वो मैं अभी आपको बता दूंगी। चोली बनाने के बाद हम कैप की तरफ प्रोसीड करेंगे। ये देखिए, कैप जो है बहुत ही ज्यादा क्यूट है, रैबिट कैप है। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और अभी आपको ऊपर आई बॉक्स में भी दिख जाएगा। तो सेम प्रोसीजर से हमें यहाँ पे ये कैप बनानी है और अब हम स्टार्ट करेंगे बिब बनाना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिब सूट बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम ऑरेंज कलर का धागे से काम करेंगे, आप कोई भी कलर से बिब सूट बना सकते हैं। मैंने ऑरेंज कलर का ऊन ले लिया है। तो देखिए, अब मुझे यहाँ पे 4 नंबर का मैं बिब सूट बता रही हूं, तो मैं यहाँ पे 29 + 3 = 32 चेन्स लूंगी। तो 29 चेन्स पहले लूंगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने धागे को क्रोशे में ऐड कर लिया है। अब मैं 29 चेन्स लूंगी, 1, 2, 3, 4। तो देखिए, मैंने 29 चेन्स जो है ले ली है। अब मैं यहाँ पे अंगूठा रख लूंगी 29 चेन पे। अब मैं 3 चेन और लूंगी, 1, 2, 3। ये 3 चेन जो है इसलिए लिए क्योंकि ये डबल क्रोशिया की हाइट की होती है और इसको हम पहला डबल क्रोशिया ही काउंट करेंगे। अब इसके बाद देखिए, जो मैंने जहां पे अंगूठा रखा है लास्ट चेन, मतलब 29 नंबर चेन पे, उस पे मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो बेसिकली फ्रेंड्स, अभी तक मैंने क्या किया, 29 चेन्स ली थी, उसके बाद 3 चेन ली, मतलब 32 चेन्स ली। जो लास्ट की 3 चेन थी उसको डबल क्रोशिया मान लिया है। अब 29 चेन पे डबल क्रोशिया डाल रही हूं। डबल क्रोशिया देखिए कैसे डालते हैं, क्रोशियो में 2 फंदे करूंगी। यहां पे 29 नंबर चेन जहां पे मैंने अंगूठा रखा है, क्रोशिया डाला, धागे को निकाला, तो देखिए 3 फंदे हो गए हैं ये। अब शुरू के 2 फंदों को धागे की हेल्प से एक कर दूंगी। अब 2 फंदे रह गए, इनको एक कर दूंगी। तो इस तरह से डबल क्रोशिया डाल दिया है। नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालूंगी, फिर से डाल रही हूं। नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालूंगी, इससे नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालूंगी। तो यहां पे देखिए, हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया डालूंगी और राउंड के एंड में मेरे पास टोटल 30 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, क्योंकि 29 चेन्स में 29 डबल क्रोशिया और 3 चेन का जो पहला डबल क्रोशिया था वो एक्स्ट्रा हो जाता है। तो टोटल 30 डबल क्रोशिया यहां मेरे हो जाएंगे। ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिए है, 30 डबल क्रोशिया आ गए हैं। अब देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमें किस साइज की लेनी है, ये स्ट्रिप जो है हमारी इतनी लंबी कैसे होनी चाहिए। लाइक 4 नंबर के लिए तो मैंने आपको बता दिया है, 5, 6, 0, 1, 2, जिन भी नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए आप बिब सूट बना रहे हैं तो हमें ये स्ट्रिप कितनी लंबी चाहिए होगी उसका मैं मेजरमेंट आपको बताती हूं। तो देखिए, यहां पे जब हम इसको फोल्ड करेंगे, तो यहां पे इस तरह से मैंने एक बार फोल्ड किया है। अब ये जो है
इनके पैरों में, दोनों पैरों के गैप में जो है ये, दोनों पैरों का जो ये गैप है यहां पे आ जाना चाहिए ताकि हमें पहनाने में दिक्कत नहीं आए। तो इतनी चौड़ी हमें चाहिए होगी फोल्ड करने के बाद। तो आपको समझ में आ गया है, ये मैंने इसलिए भी बताया है क्योंकि ऊन कई बार क्या होती है पतली मोटी होती है, तो उस वजह से भी हमारी ये जो स्ट्रिप है छोटी बड़ी हो सकती है। इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि पहले ही राउंड में आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रिप की ये जो लंबाई है सफिशियंट है या नहीं है। तो इससे हमें पता चल जाएगा 0-1-2 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए भी हमें किस तरह से प्रोसीड करना है। अब देखिए पहला राउंड कंप्लीट हो गया है, सेकंड राउंड की तरफ प्रोसीड करेंगे। तीन चेन लेंगे इसके लिए, ये पहला डबल क्रोशिया हो गया, वर्क को रोटेट कर लूंगी। अब फ्रेंड्स जस्ट बगल वाली चेन में नहीं बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें वापस हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और 30 के 30 डबल क्रोशिया ही हमारे पास होने चाहिए, बढ़ने नहीं चाहिए। तो जस्ट बगल वाली चेन में हम नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बना देंगे, नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से हम सेकंड राउंड भी कंप्लीट करेंगे और हमें टोटल यहाँ पे 4 राउंड्स बनाने हैं। फोर्थ राउंड के एंड में हमारे पास 30 डबल क्रोशिया ही होने चाहिए, ना ही बढ़ाने हैं ना ही घटाने हैं। ये 4 राउंड्स कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 4 राउंड्स कंप्लीट कर दिए। अब देखिए हमें बाद में सिलना होगा इस तरीके से, यहाँ पे हम इस तरीके से सिल देंगे, बट हम बाद में सिलेंगे। अब यहाँ पे हमने ये इतनी चौड़ाई रख ली है, ये भी आपके कान्हा जी पे डिपेंड करता है कि किस साइज के आपके कान्हा जी हैं। तो देखिए 4 नंबर के लिए यहाँ पे 4 लाइन सफिशियंट थी, यहाँ पे इस तरीके से जब मैं मेजर करती हूँ तो एकदम सफिशियंट रहती है। इसके बाद हम पैर बनाएंगे यहाँ पे, तो आपको इस तरह से मेजर करना होगा कि आपके नंबर के, आपके जो लड्डू गोपाल जी है उनके हिसाब से ये वाली 4 लाइनें सफिशियंट है कि नहीं है। तो ये देखिए आपको मेजरमेंट के हिसाब से मैंने वैसे बता दिया। एक और तरीका है कि आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, 5 नंबर के लिए भी ये 4 रोज कम सही रहेंगी, 6 नंबर के लिए आपको एक रो बढ़ानी पड़ेगी, 3 नंबर के लिए आप यहाँ पे लास्ट वाली रो हाफ डबल क्रोशे की कर सकते हैं, और 2 नंबर के लिए यहाँ पे आप 3 जो रोज हैं ये बना सकते हैं, और 1 और 0 नंबर के लिए आपके लिए 2 रोज जो है सफिशियंट है। इस तरीके से आपको कम करनी पड़ेगी। यहाँ पे लंबाई जो है मैंने आपको बता दी है, चौड़ाई भी मैंने आपको बता दी है। एक बार लंबाई में आपको ये बता देती हूँ कि जैसे यहाँ पे 30 डबल क्रोशिया बने हैं, 32 चेन्स ली है, ऐसे ही 5 या 6 नंबर के लिए आपको कैसे करना होगा, 5 नंबर के लिए आपको 36 चेन लेनी होगी, मतलब 34 डबल क्रोशिया, और 6 नंबर के लिए आपको यहाँ पे 40 डबल क्रोशिया बनाने होंगे, मतलब कि 42 चेन्स लेनी होगी। तो इस तरीके से लेनी होगी। अगर आपको छोटे नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनानी है, 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए, तो यहाँ पे हमारे 30 डबल क्रोशिया हैं, आपको करीब यहाँ पे 25 आप नहीं लेंगे, 26 डबल क्रोशिया लेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऑड नंबर नहीं लेंगे, हमेशा इवन नंबर लेंगे। लाइक कि जैसे यहाँ पे 30 डबल क्रोशिया हैं और 5 नंबर के लिए आपको 34 या 36 डबल क्रोशिया लेने होंगे, 34 काफी सफिशियंट रहेंगे वैसे, 6 नंबर के लिए 40 डबल क्रोशिया लेने होंगे, 3 नंबर के लिए आप 26 डबल क्रोशिया ले लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको इवन चलना है, 1, 3, 5, 7 ये वाले नंबर नहीं लेंगे, 2, 4, 8 इस तरह से लेंगे। तो यहाँ पे 0, 1, 2 के लिए भी मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। 3 नंबर के लिए मैंने आपको बताया 26 डबल क्रोशिया काफी है, ऐसे ही 2 नंबर के लिए आपके 20 या 22 डबल क्रोशिया करीब चाहिए होंगे, 1 नंबर के लिए करीब आपको यहाँ पे 14 भी सफिशियंट हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको डबल क्रोशिया लेने होंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया इसको हमें यहाँ पे फोल्ड करना है, ये हम बाद में सिलाई से करेंगे, और हम इसको फोल्ड करेंगे और नीचे पैर निकालेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया हमें हमेशा इवन नंबर चाहिए होंगे, 30, 34, 40, ताकि यहाँ पे 30 का हाफ कितना होगा 15, 15 का एक पैर बनेगा और 15 का दूसरा पैर बनेगा। अगर आपके ये 31 डबल क्रोशिया होते तो यहाँ पे आपका एक डबल क्रोशिया की गड़बड़ आ जाती और पैर जो है छोटे बड़े बन जाते। इसलिए ध्यान रखिएगा 30 है तो 15-15 के 2 पैर बन जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पहला पैर शुरू करूंगी, यहां से 15 चेन्स में 15 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, पहला पैर पहले बनाऊंगी, फिर उसके बाद दूसरा पैर बनाऊंगी। तो हम आगे का वर्क कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब हम यहां से पैर निकालेंगे, तो पैर का हमारा फर्स्ट राउंड है, तो 3 चेन लेंगे, ये पहला डबल क्रोशिया हो गया है।
अब हमें 15 डबल क्रोशिये डालने हैं 15 चेन्स में। एक हो गया है, जस्ट बगल वाली चेन में नहीं डालेंगे, नेक्स्ट चेन में डाल दिया, ये दूसरा हो गया है। अब तीसरा डबल क्रोशिया हो गया है, इस तरह से 15 चेन्स में 15 डबल क्रोशिये डालूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पैर का फर्स्ट राउंड था, 15 डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब हमारा जो यहां पे, तो ये वाला जो कॉर्नर है हमारा, जो फर्स्ट डबल क्रोशिया था, उसकी थर्ड चेन से हमें इसको ज्वाइन करना है ताकि मुड़ जाए, साथ में ही ज्वाइन हो जाए। तो देखिए इस तरीके से मैं घुमाऊंगी ड्रेस को, और जो पहला डबल क्रोशिया था वो तीन चेन से बना था, उसकी थर्ड चेन में मैं, मतलब टॉप वाली चेन में मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूंगी। स्लिप स्टिच आपको दिखा रही हूं एक बार, क्रोशियोक में धागा डाल, क्रोशियोक में सॉरी चेन में क्रोशियोक डाल दिया, धागे को निकाला और सीधा इसमें से भी निकाल दूंगी। तो ये हमारा एक जो है मुड़ जाएगा पैर, और हमारा ये राउंड जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमें फिर से तीन चेन लेनी है। अब वर्क को थोड़ा सा घुमा दूंगी। अब आगे जो है हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाना है। इसकी जस्ट बगल वाली चेन में मत कीजिएगा, क्योंकि अभी भी हमें इस पूरे राउंड में 15 डबल क्रोशिया ही चाहिए। तो यहां पे देखिए सेकंड राउंड कर रही हूं मैं पैर का, जस्ट बगल वाली चेन में नहीं डालना है, ध्यान रखिएगा, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया आएगा। ये दूसरा है, ये तीसरा डबल क्रोशिया है। राउंड का स्टार्ट हमने तीन चेन से किया था और उसके बाद हम डबल क्रोशिया डालते जा रहे हैं। ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूं। तो देखिए पैर का सेकंड राउंड भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। वर्क हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बस इसे ज्वाइन करना रह गया है। ज्वाइन कैसे करेंगे, बिल्कुल सिमिलर वे में करेंगे जैसे कि हमने पहले किया था। पहला डबल क्रोशिया जो है तीन चेन से बना है, उसकी थर्ड चेन में क्रोशियोक डाल रही हूं, धागे को निकालूंगी और सीधा इसमें से भी निकाल दूंगी। तो स्लिप स्टिच से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब थर्ड राउंड की तरफ प्रोसीड करूंगी, तो तीन चेन लूंगी, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालूंगी, 15 ही डबल क्रोशिया इस राउंड में भी होने चाहिए। तो बेसिकली पैर के हमें तीन राउंड्स हमें बनाने हैं, ये थर्ड राउंड है, ये पूरा कंप्लीट करूंगी, स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूंगी और धागे को भी कट करके आपको दिखाती हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे थर्ड राउंड कंप्लीट कर दिया है, धागे को कट कर दिया है। अब यहाँ एक पैर बन गया है, दूसरा पैर बनाएंगे, 15 चेन्स हैं इसी में, हम फिर से तीन राउंड का और सेम तरीके से बनाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। तो नेक्स्ट पैर सिल रही हूँ, पर यहाँ पे हम स्टार्टिंग में लंबा धागा छोड़ देंगे ताकि हमें सिलने में ईजी रहे, इसी धागे से हम सिलाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो 16th नंबर चेन है, पैर के बाद जो जस्ट पास वाली चेन है, उसमें हम काम स्टार्ट करेंगे, धागे को ज्वाइन करेंगे, तीन चेन लेंगे और आगे सारी चेन्स में 15 डबल क्रोशियाज बना देंगे। ये पहला हो गया है, नेक्स्ट चेन में दूसरा होएगा और ये 15 डबल क्रोशिये बना के आपको दिखाती हूं। तो देखिए मैंने यहां पे ये वाला राउंड कंप्लीट कर दिया है, अब मुझे इसको ज्वाइन करना है। तो पहला डबल क्रोशिया तीन चेन से बनाया था, इस तरह से फोल्ड कर रही हूं। पहला डबल क्रोशिया तीन चेन से बनाया था, उसकी थर्ड चेन में मैं स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दूंगी। और ये ज्वाइन कर दिया। अब मैं तीन चेन लूंगी सेकंड राउंड के लिए। तो ये पैर का सेकंड राउंड है, वर्क को थोड़ा सा घुमा दूंगी और यहां पे देखिए फिर से मैं हर चेन में सिंगल क्रोशिया करूंगी। और जैसे मैंने ये वाला पैर बनाया है, सॉरी सिंगल क्रोशिया नहीं, डबल क्रोशिया करूंगी, और ये जैसे पैर बनाया है बिल्कुल सिमिलर वे में, वो वाला पैर भी बना रही हूं। सेकंड राउंड शुरू कर रही हूं मैं आपको, एक बार सेकंड राउंड स्टार्ट करके दिखा रही हूं। तो देखिए नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बना रही हूं, इससे नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया, और ये सेकंड पैर का सेकंड राउंड है। इसी तरह से पूरा पैर बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सेकंड पैर भी कंप्लीट कर दिया, तो दोनों पैर कंप्लीट हैं। ये जो नीचे का पजामा है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, अगर आप बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं, तो यहाँ पे पैर का साइज, जैसे मैंने तीन यहाँ पे राउंड लिए हैं, पांच नंबर में आप चार राउंड ले सकते हैं और छह नंबर में पांच राउंड ले सकते हैं। छह नंबर में भी आपको यहाँ पे पांच राउंड लेने होंगे। यस, तो इस तरह से आपके बढ़ेंगे।
और अगर 3 2 1 होंगे तो यहाँ पे आपके राउंड्स जो है 3 के लिए दो दो ही, 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए 2 ही राउंड्स होंगे, 2 नंबर के लिए भी 2 ही राउंड्स होंगे, और 1 नंबर के लिए तो एक ही, 1 और 0 के लिए एक ही राउंड हो सकता है ये। तो इस तरह से करना होगा, या फिर आपको हाफ डबल क्रोशिए के राउंड्स बनाने होंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे लेंथ जो है छोटी करनी होगी, या तो हाफ डबल क्रोशिए के राउंड्स बनाइएगा या फिर राउंड्स कम कर दीजिएगा। तो इस तरीके से ये जो लेंथ है कम या कम होगी या ज्यादा होगी, तो मैंने आपको बता दिया है। तो डबल क्रोशिए से काम कीजिए, राउंड्स कम कर दीजिए या हाफ डबल क्रोशिए के राउंड रखिए। तो इस तरह से हमारा ये वाला काम कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है हमें सिलना होगा, बट ये बाद में लास्ट में सिलेंगे हम ये वाला पोर्शन। अब देखिए ये मैंने पहले ही, जैसे मैंने पैर में यहाँ पे ज्वाइन किया है ये वाली चीज, मैंने यहां पे क्यों नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि अगर हम यहां पे ज्वाइन कर देते तो भी हमें नीचे से सिलना पड़ता है, यहां पे छेद सा रह जाता है, काफी गैप रहता है, इसलिए मैं सिलना ही प्रेफर करती हूं। आप चाहें तो यहां से ही ये राउंड्स को जो ऐसे हमने पैर में मोड़ा था वैसे यहां से ही मोड़ सकते हैं, बट यहां पर ध्यान रखिएगा गैप आएगा, वो आपको बाद में सिलना होगा। अब इसके बाद देखिए हमें ये हमारी फ्रंट साइड होगी, यहां पर हमें बिब बनाना है। तो बिब कैसे बनाएंगे, फर्स्ट राउंड में हमारे यहाँ पे 30 चेन्स हैं, 6 चेन्स में हमें बिब बनाना है, तो टोटल यहाँ पे हमारे 30 चेन है, 30 चेन में से 6 चेन्स में हम बिब बनाएंगे तो बच जाएंगी 24 चेन। तो 24 चेन की 12 चेन हमें यहाँ छोड़नी है और 12 चेन यहाँ छोड़नी है, तो बेसिकली 12 चेन्स यहाँ पे स्किप करके हम 13th चेन से अपना वर्क शुरू करेंगे, बिब बनाएंगे यहाँ पे मिडल में और फिर यहाँ पे 12 चेन्स हमारी छूट जाएगी। तो देखिए मैं यहां से अपनी चेन्स काउंट करती हुई 13th चेन में क्रोशिया डालूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने काउंट करके 13th चेन में क्रोशिया डाल दिया, मतलब 12 चेन मैंने छोड़ दिया और 13th चेन से अपना वर्क स्टार्ट करूंगी। ऑरेंज कलर का ही धागा ले लिया है, इस तरह से धागे को ऐड कर लूंगी। अब मैं यहाँ पे देखिए हाफ डबल क्रोशिए से बिब बनाऊंगी, और मैंने आपको अभी भी बताया था कि पजामे को अगर हमें छोटा करना है तो हम हाफ डबल क्रोशिए के भी राउंड बना सकते हैं। तो अब आपको पता चल जाएगा कि हाफ डबल क्रोशिया कैसे करते हैं। तो सबसे पहले 2 चेन लूंगी, 2 चेन जो है हाफ डबल क्रोशिए की हाइट की होती है इसलिए हमने 2 चेन ले ली है। अब नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, तो देखिए कैसे बना रहे हैं, क्रोशिया हुक में 2 फंदे करेंगे, नेक्स्ट चेन में क्रोशिया हुक डालूंगी, धागे को निकालूंगी, ये 3 फंदे हो गए, 3 का डायरेक्ट 1 कर दूंगी, तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो देखिए फुल डबल क्रोशिया जो हम बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, 3 का 2 2 का 1, यहाँ पे हम 3 का डायरेक्ट 1 कर लेते हैं और ये हाफ डबल क्रोशिया कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी, 6 चेन्स में मुझे हाफ डबल क्रोशिया डालना है, 3 में हो गया है, ये चौथी में है, तो 6 की 6 चेन्स में मैंने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया डाल दी है। अब इस तरफ भी मेरी 12 चेन्स जो है रह जाएंगी, तो यहां पे भी 12 चेन्स मेरी रह जाएंगी। अब हम बिब का सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमें 2 चेन लेनी है, वर्क को उल्टा कर दूंगी। अब देखिए यहां पे हम जस्ट बगल वाली चेन में नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास 6 चेन्स है, 6 हाफ डबल क्रोशिया ही आने चाहिए। जस्ट बगल वाली चेन में मैं हाफ डबल, सॉरी जस्ट बगल वाली चेन में नहीं डालेंगे, उसके नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया डाल रही हूं, तो 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए हैं। ये हमारा सेकेंड राउंड है, 6 हाफ डबल क्रोशिया इस राउंड में भी आएंगे और नेक्स्ट राउंड में भी 6 हाफ डबल क्रोशिया आएंगे। 3 राउंड्स कंप्लीट करके आपको दिखाती हूं। तो देखिए मैंने 3 राउंड्स कंप्लीट कर दिए हैं, मैं आपको गिन के दिखा देती हूँ, राउंड्स फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, 3 राउंड्स यहाँ पे मैंने बिब के बनाए हैं। अगर आपके 6 नंबर के या 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं तो आपको ये राउंड्स जो है बढ़ा देने हैं, लाइक 4 या 5 राउंड्स आएंगे, और छोटे नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं तो आपको यहाँ पे राउंड्स कम करने होंगे। सेकंड चीज, यहाँ पे मैंने हर राउंड में 6 हाफ डबल क्रोशिए डालने हैं, आपको छोटी ड्रेस में 4 करने होंगे या 5 हाफ डबल क्रोशिए डालने होंगे, और बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए आपको ये 8 या 7 चेन में काम करना होगा, इस तरीके से काम करना है। अब मैं यहाँ पे धागे को कट करूंगी, पहले मैं धागे को कट कर लूंगी, और यहां पे 1 चेन लेके नोट लगा दूंगी। तो देखिए हमारा वर्क जो है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बिब बहुत ही प्यारी लग रही है। अब देखिए मैंने ड्रेस को उल्टा कर लिया है,
अब हमें बिब के लिए स्ट्रिप बनानी है, तो देखिए स्ट्रिप कहां पे बनानी है, यहां पे हमें कॉर्नर पे। तो देखिए फिर से आपको मैं बता रही हूं कि कहां पे डाल, कहां पे हमें स्ट्रिप बनानी है। तो ये जो है कॉर्नर में, इस कॉर्नर में भी बनानी है और इस कॉर्नर पे भी बनानी है। तो यहां पे मैं आपको थोड़ा सा इस तरह से करके दिखा रही हूं। तो अब देखिए मैंने ड्रेस को उल्टा किया है, अब हमें बिब के लिए स्ट्रिप बनानी है। तो स्ट्रिप कहां बनाएंगे, तो देखिए ये वाली एक कॉर्नर है और एक ये वाला कॉर्नर है, दोनों में हमें स्ट्रिप बनानी है। तो यहां पे मैं इस कॉर्नर से स्टार्ट करूंगी और यहां पे मैं इस कॉर्नर से स्टार्ट करूंगी, एक स्ट्रिप बना के दिखाऊंगी। सिमिलर वे में मुझे यहां पे भी बनानी है, तो ये दोनों स्ट्रिप मुझे तैयार करनी है। तो हम अब स्ट्रिप तैयार करेंगे। तो देखिए कॉर्नर में मैंने जो है टॉप, फर्स्ट डबल क्रोशिया के टॉप पे जो चेन होती है, फर्स्ट चेन है मतलब की, उसमें मैंने क्रोशिया हुक डाल लिया है। अब मैं येलो सॉरी ऑरेंज कलर का धागा ही यूज करूंगी, ऐड करूंगी इस धागे को। ये एक चेन लेके मैंने ऐड किया है, एक और चेन ले लूंगी। तो टोटल मुझे यहाँ पे दो ही चेन लेनी है। तो दो चेन इसलिए लिए क्योंकि हाफ डबल क्रोशे की हाइट के, और हमें अभी हाफ डबल क्रोशे से ही काम करना है। नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी, जैसे मैंने बिब में डाला था बिल्कुल सिमिलर वे में, तीन का एक कर दूंगी। नेक्स्ट चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी, तीन का एक। तो यहां पे तीन चेन यूज करके मैं स्ट्रिप बनाऊंगी। अब ये एक राउंड हो गया, सेकंड राउंड के लिए मैं दो चेन लूंगी, वर्क को रोटेट कर दूंगी। सेकंड राउंड की तरफ प्रोसीड कर रही हूं, तो दो चेन ले लिया, पहला हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। अब मुझे तीन हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो सेकंड चेन में मैं जो है हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, थर्ड चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, तो तीन हाफ डबल क्रोशिया डल गए हैं, सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब फिर से दो चेन लूंगी, वर्क को उल्टा कर दूंगी और अब मैं थर्ड राउंड की तरफ प्रोसीड कर रही हूं। तो पहला हाफ डबल क्रोशिया हो गया, इस राउंड में भी तीन हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे, थर्ड राउंड है ये। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मुझे आठ राउंड कंप्लीट करने हैं, यहाँ पे आठ राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूं। तो देखिए फ्रेंड्स इस स्ट्रिप मैंने तैयार कर ली है एट राउंड्स की। अब हमें क्या करना है, तीन चेन लूंगी अब मैं, एक दो तीन, और देखिए यहां पे वर्क को उल्टा करूंगी और जो थर्ड चेन है, सेकंड चेन में नहीं ज्वाइन करना है, जो थर्ड चेन है मतलब दूसरी तरफ जो चेन है उसमें मुझे इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है, ताकि जो हम बटन लगाएंगे इसमें जो गैप आ जाएगा वो बटन आराम से इसके अंदर चला जाएगा। तो ये बटन के लिए हमने तैयार किया है। अब मैं धागे को कट कर लूंगी और एक चेन लेके नोट लगा दूंगी। तो ये हमारी एक स्ट्रिप जो है तैयार हो गई है बनके। अब दूसरी स्ट्रिप भी मैं इधर बनाऊंगी सेम तरीके से आठ राउंड लेके ही, और ये सेकंड स्ट्रिप बना के मैं आपको दिखाती हूं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों स्ट्रिप्स तैयार कर ली हैं, ऑलमोस्ट बिब सूट जो है कंप्लीट होने वाला है। तो हमारा मेन दो काम रह गए हैं, देखिए एक तो हमें यहाँ पे सिलना है, यहाँ पे इस तरह से ऑरेंज कलर की धागे से मैं यहां तक सिलूंगी। ये स्ट्रिप्स जो है मुझे नहीं सिलने हैं, यहाँ पे स्ट्रिप के नीचे वाला पार्ट जो है यहां से यहां तक का ये मुझे सिलना है। और ध्यान रखिएगा नीचे बिल्कुल भी छेद नहीं होना चाहिए, इसको भी हम अच्छे से प्रॉपरली सिल देंगे, ऑरेंज कलर के धागे से सिलेंगे ताकि धागा बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो। इसके बाद देखिए ये हमें काफी सारे यहाँ पे धागे हैं, इनको अभी फिनिशिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिलने के बाद हम व्हाइट कलर से इसकी बॉर्डरिंग करेंगे, तो ये सारे धागे उसके अंदर चले जाएंगे, तो अपने आप यहाँ पे ये धागे जो है फिनिशिंग में हो जाएगा कंप्लीट। तो इस तरीके से हमारा ये बिब सूट पूरा बनेगा। तो सबसे पहले मैं ये सिल के दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको व्हाइट कलर की ऊन से बॉर्डरिंग करना बताऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको सिल दिया है और स्ट्रिप जो है अलग है। अब इसके बाद हम व्हाइट कलर से बॉर्डरिंग करेंगे, जो कि मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे नीचे सबसे पहले जो पैर है उसकी बॉर्डरिंग करना स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे देखिए जो चेन है कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट जहां से हमारा ऑरेंज कलर का धागा खत्म हुआ है उससे स्टार्ट करेंगे, तो ये ऑरेंज कलर का धागा जो है फिनिशिंग में आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने धागा ले लिया है, बस उसके पास वाली चेन में मैंने क्रोशिया हुक डाला है,
और यहाँ पे ऑरेंज कलर का धागा भी मैं फिनिशिंग में लेती जाऊंगी। तो नीचे रख लेंगे तो फिनिशिंग में आता जाएगा चेन के साथ साथ। यहाँ पे हर चेन में मुझे सिंगल क्रोशिया करना है। सिंगल क्रोशिया एक बार मैं आपको बता देती हूँ, इस बार मैं कर लेती हूँ एक बार ये वाला। नेक्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया बता देती हूँ। देखिए क्रोशियो में एक ही फंदा है, नेक्स्ट चेन में क्रोशियो डालेंगे, धागे को निकालेंगे और यहाँ पे देखिए दो फंदे हो गए, धागे की हेल्प से इसको एक कर देंगे। तो इस तरीके से पूरी बॉर्डरिंग करती जाऊंगी, येलो और ऑरेंज सॉरी व्हाइट और ऑरेंज कलर का धागा जो है मैंने नीचे रख दिया है, फिनिशिंग में आता जा रहा है। हर चेन को सिंगल क्रोशे से मैं बॉर्डरिंग करती हूं और ये पूरा राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूं। तो देखिए हर चेन में मैंने सिंगल क्रोशिया कर दिया है, बस इसको ज्वाइन करना बाकी रह गया है। तो देखिए जो फर्स्ट चेन है इसमें मैं स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करूंगी। तो यहां पे क्रोशिया हुक डाला, व्हाइट कलर का धागा मैंने कट कर दिया है, थोड़ा सा रह गया बस। तो यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच से इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब एक चेन लेके नोट लगा दूंगी। तो यहाँ पे बॉर्डरिंग हो गई है इसकी और ये काफी ही प्यारी लगती है। अब दूसरे पैर की भी सेम तरीके से बॉर्डरिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने दोनों पैर की बॉर्डरिंग कर दी है और आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा सुंदर लुक आ गई है और धागों की भी फिनिशिंग होती जा रही है। जो लास्ट में बस व्हाइट कलर का धागा है उसको हम अंदर की तरफ फिनिशिंग करेंगे, अदरवाइज और सारे ऑरेंज कलर के जो धागे हैं वो सारे फिनिशिंग में अभी बॉर्डरिंग के साथ साथ चले जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम ऊपर की बॉर्डरिंग भी करेंगे। तो देखिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऊपर की कोई भी चेन उठा सकते हैं। मैं बिब के यहां से स्टार्टिंग से यहाँ पे कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूं। तो यहाँ पे चेन में ही हमें सिंगल क्रोशिया करते जाने हैं, तो क्रोशिया जो है हम चेन में डालेंगे। और ये व्हाइट कलर का धागा जो है मैं ऐड कर रही हूं और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर रही हूं। तो नेक्स्ट चेन में भी सिंगल क्रोशिया करूंगी। यहाँ पे जो भी धागे हैं वो मैं अंदर की तरफ लेती जाऊंगी, जैसे कि मैंने व्हाइट कलर का धागा भी अंदर ले लिया है, नीचे इस तरह से रख दिया है। तो अब ये सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे तब उसमें आता जाएगा। हर चेन में सिंगल क्रोशिया करूंगी। तो यहां पे देखिए मैंने इतना वर्क कर लिया है। अब मैं स्ट्रिप के कॉर्नर पे आ गई हूं, जो पीछे स्ट्रिप आती है। अब देखिए यहां पे हमें स्ट्रिप की बॉर्डरिंग करनी है। नीचे मैंने एक एक चेन में सिंगल क्रोशिया डाल दिया है। अब स्ट्रिप की बॉर्डरिंग के लिए देखिए हमें क्या करना होगा, ये जो डबल हाफ डबल क्रोशिया है, दो हाफ डबल क्रोशिया के बीच में जो गैप होता है वहां पे हम डालेंगे, किसी चेन में नहीं डालेंगे, और दो दो सिंगल क्रोशिया डालते जाएंगे। तो ये पहले वाला गैप है, इसमें मैं दो सिंगल क्रोशिया डालूंगी। नेक्स्ट वाले में भी दो सिंगल क्रोशिया डालूंगी। तो हर दो हाफ डबल क्रोशिया के बीच में जो गैप है उसमें हम वर्क कर रहे हैं और दो दो सिंगल क्रोशिया डालते हुए ये बॉर्डरिंग कर रहे हैं। ऊपर तक इस तरह से चली जाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं स्ट्रिप में नीचे से ऊपर आ गई हूं। अब यहां पे देखिए हमने तीन चेन का यहां पे वर्क किया था, उसका गैप है, उसमें हम गैप में करेंगे, चेन में नहीं कर रहे हैं। तो अब गैप में भी सिंगल क्रोशिया करूंगी। तो यहां पे देखिए गैप में मैं सिंगल क्रोशिया कर रही हूं एक बार। तीन चेन का हमने गैप बनाया था, ये लूप क्रिएट किया था, दो बार मैंने सिंगल क्रोशिया कर दिया है, ये तीसरी बार कर रही हूं और ये चार बार कर दिया है। तो इस तरह से मैंने यहां पे चार बार किए हैं। तो ये जो गैप था तीन चेन का, इसकी मैंने बॉर्डरिंग कर दी है चार सिंगल क्रोशिया डाल के। अब देखिए नीचे फिर से हाफ डबल क्रोशिया के आ गए हैं वर्क। तो दो हाफ डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है उसमें काम करूंगी और यहां पे देखिए ऑरेंज कलर का जो धागा एक्स्ट्रा बचा है वो मैं लेती जा रही हूं वर्क में और यहां पे दो दो सिंगल क्रोशिया डालूंगी। नेक्स्ट वाले में कर रही हूं, यहां पे भी दो सिंगल क्रोशिया डालूंगी गैप में। तो इस तरह से अब मैं ऊपर से नीचे की तरफ जाऊंगी। तो देखिए स्ट्रिप की जो है पूरी बॉर्डरिंग हो गई है और आप देख सकते हैं स्ट्रिप भी बहुत ही ज्यादा प्यारी लगने लग गई है। अब हम नीचे की तरफ आ गए हैं। तो दोनों स्ट्रिप्स के बीच में अब देखिए दोनों स्ट्रिप के बीच में हम एक चेन उठाएंगे जो कि हमने ज्वाइन किया था। तो थोड़ा सा हम ज्वाइन करते हुए यहां पे एक चेन उठा लेंगे और उसमें हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब हम नेक्स्ट स्ट्रिप पे जाएंगे तो उसके जो हाफ डबल क्रोशिया हैं उसमें जो गैप आते हैं दो हाफ डबल क्रोशिया के बीच में जो गैप है वहीं से फिर से वैसे ही स्ट्रिप की बॉर्डरिंग करेंगे, दो दो सिंगल क्रोशिया डालते जाएंगे।
तो देखिए नीचे स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब सेकंड हाफ डबल क्रोशिया के बीच में, मतलब सेकंड रो में हम कर रहे हैं दो सिंगल क्रोशिया। ये धागा जो है मैं लेती जाऊंगी, तो ये पूरी स्ट्रिप जो है मैं इसी तरीके से करूंगी बॉर्डरिंग की। दो सिंगल क्रोशिया डालने हैं दो हाफ डबल क्रोशिया के गैप में, तो इस गैप में मैं दो सिंगल क्रोशिया डालते हुए ये कंप्लीट कर रही हूं। तो ये देखिए इस तरह से दोनों स्ट्रिप की बॉर्डरिंग मैंने कर दी है। अब मैं नीचे आ गई हूं, यहां पे नीचे की तरफ ये जो चेन है इसमें सिंगल क्रोशिया करूंगी, कॉर्नर वाली जो चेन है। इसके बाद आगे की चेन्स में भी सिंगल क्रोशिया करती जाऊंगी, बेसिकली कोई भी चेन छोड़नी नहीं है। अब हर चेन में मैं सिंगल क्रोशिया करती जा रही हूं। अब फ्रेंड्स देखिए कॉर्नर पे आ गई हूं, कॉर्नर की चेन मैंने कर दी है। अब यहां पे देखिए जो बिब का फर्स्ट राउंड है वो हाफ डबल क्रोशिया से बनाया, तो जैसे हमने स्ट्रिप की बॉर्डरिंग की है बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। यहां पे दो हाफ डबल क्रोशिया के बीच में जो गैप है उसमें मैं दो बार सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। तो यहां पे एक बार हो गया, ये दूसरी बार है। नेक्स्ट वाले में भी दो बार सिंगल क्रोशिया करूंगी यहां पे तीन राउंड से। अब जो ये कॉर्नर वाला है इसमें हम तीन बार कर देंगे, तो एक बार हो गया है, ये दूसरी बार हो गया है और ये तीसरी बार हो गया है। तो कॉर्नर में हम तीन बार करेंगे। अब नेक्स्ट वाले में देखिए हम चेन में नहीं कर रहे हैं, दो हाफ डबल क्रोशिया के बीच में जो गैप है उसी में कर रहे हैं। तो यहां पे हमने बेसिकली चेन में नहीं किया है और यहां पे भी हम दो हाफ डबल क्रोशिया डालते जा रहे हैं, सॉरी दो सिंगल क्रोशिया डालते जा रहे हैं। हर गैप में हम दो सिंगल क्रोशिया डालते जा रहे हैं। ये आप चाहे तो एक एक सिंगल क्रोशिया डाल के भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल होता है। अब फिर से मैं कॉर्नर पे आ गई हूं, यहां पे मैं तीन बार सिंगल क्रोशिया करूंगी, एक बार, दो बार, तीन बार, और किया मैंने गैप में ही है। अब मैं नीचे की तरफ जाऊंगी, दो हाफ डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है फिर से उसी में करूंगी और दो बार डालूंगी। धागे को मैं लेती जा रही हूं, मैंने आपको दिखा दिया है, तो ये नीचे राउंड की तरफ जा रही हूं, सिंगल क्रोशिया करती जा रही हूं दो बार। लास्ट राउंड है, धागे को मैंने फिनिशिंग में ले लिया है, तो ऑरेंज कलर के सारे धागे फिनिशिंग में आ जाएंगे। अब बस व्हाइट कलर के यहां पे स्टार्टिंग में आ गई हूं, तो स्लिप स्टिच से मैं इसको ज्वाइन करूंगी चेन में, व्हाइट कलर के ही चेन में। तो यहां पे देखिए मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया है, धागे को कट करूंगी और एक चेन लेके नोट लगा दूंगी। अब जो भी धागे बच गए हैं अंदर की तरफ वो मैं कर दूंगी अभी फिनिशिंग और फिर मैं आपको दिखाती हूं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसकी फिनिशिंग कर दी है और यहां पे देखिए मैंने मोती लगाए हैं। आप यहां पे चाहें तो हुक्काई कर सकते हैं, यहां पे मैंने गैप इसीलिए छोड़ा था ये बटन यहां पे इस तरह से लगा सकूं। आप चाहें तो यहां पे हुक्काई कर सकते हैं बट उसका इतना अच्छा लुक नहीं आएगा। बटन आप किसी और तरीके से लगा सकते हैं, कोई अलग सा बटन भी ला सकते हैं। चोली मैंने बना ली है और यहां पे ये कैप भी, इसकी रैबिट कैप जो है वो भी बना ली है। तो इस तरह से ये पूरा बिब सूट जो है हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।